मोरेजी टेक्निकल ज्ञान में आप सबका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज हमारे पास आ गया है बाइवी का 32 इंच का एलईडी है, फ्रेमलेस एलईडी है। ये एलईडी कंप्लीट चालू है, बस इसके अंदर डस्टिंग आ रहा है, तो हमें पेपर पे साफ करना है पेपर डस्टिंग वाला। तो ये फ्रेमलेस एलईडी है। तो दोस्तों चलिए मैं इसे चालू करके आपको डस्टिंग दिखा देता हूँ। देखिए ये वाइट कलर के पेपर पर ये आपको डस्टिंग दिख रहा है, चालू पिक्चर में पूरा डस्टिंग दिखता है दोस्तों। देखिए तो हमें क्या करना है, इसे ओपन करना है और इसे क्लीन करके आपको मैं आपको दिखाऊंगा। आज नॉर्मल एलईडी तो सब कर लेते हैं दोस्तों, ये फ्रेमलेस एलईडी है इसीलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए ये फ्रेमलेस एलईडी है, ये अंदर डबल गम टेप लगा हुआ होता है और जिससे ये अंदर से जॉइंट होता है। तो इसको निकालने का बहुत रिस्क वाला काम होता है दोस्तों, सब लोग इसे नहीं करते जल्दी। तो चलिए मैं आपको आज एकदम आसान तरीका बताऊँगा कि इसे ओपन कैसे करना है और इसे अच्छे से क्लीन कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें इसकी बॉडी बैक बॉडी ओपन कर लेनी है दोस्तों। देखिए हमने सबसे पहले इसका बैक बॉडी ओपन कर लिया है। ओके दोस्तों, देखिए अब हमें क्या करना है, इसके बाद नीचे का जो पट्टी होता है फ्रेमलेस एलईडी में, नीचे की साइड में एक पट्टी लगी हुई थी जहाँ गम नहीं लगा रहता, तो ये पट्टी हमें सबसे पहले निकाल लेना है। ओके दोस्तों, पट्टी निकालने के बाद जो स्केलर पर दो स्क्रू लगा है वो भी निकाल लेना है। उसके बाद स्केलर को हमें बेल्ट से अलग कर देना है दोस्तों। देखिए ओके, तो चलिए मैं आपको ये पट्टी निकाल के दिखाता हूँ। आराम से निकालना है दोस्तों, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। अगर फ्रेमलेस एलईडी में कोई भी जल्दबाजी करोगे तो आपको ही रिस्क होगा, क्योंकि पैनल टूटने का रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए मैंने इसका स्क्रू वो सारे ओपन कर लिए हैं, तो मैं आपको ये पट्टी निकाल देता हूँ। उसके बाद ये तीन साइड गम लगा हुआ होता है दोस्तों, लेफ्ट राइट और टॉप में। तो आपको इसमें ये बेल्ट भी आपको निकाल लेना है। देखिए मैंने बताया था आपको, ये दोनों स्क्रू ओपन करके बेल्ट भी आपको निकाल लेना है अच्छे से, ताकि हम फ्रेम पैनल खोलने के बाद इसको आराम से उठा सके। तो ये बेल्ट जो दिख रहा है ना दोस्तों, इसको भी आपको उससे अलग कर लेना है। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी दोस्तों। तो तीन साइड इसमें लगा रहता है डबल गम टेप, नीचे से टॉप में लगा रहता है और लेफ्ट और राइट। तो हमें ये पेपर ले लेना है दोस्तों, इस पेपर को हमें कटिंग करना है राउंड शेप में। ओके दोस्तों, हम इस पेपर की वजह से ही नीचे का जो डबल गम टेप है उसे हम रिमूव करेंगे, ताकि हमारा पैनल आसानी से निकल जाए दोस्तों। तो देखिए हमें इस तरीके से इसे कटिंग कर लेना है राउंड शेप में, ताकि कॉर्नर कहीं लग के हमें डैमेज ना हो। ओके दोस्तों, तो चलिए हमें इसे कटिंग कर लिया है। देखिए इस तरीके से इस शेप में इसको कटिंग कर लेना है, और ज़्यादा मोटा भी नहीं लेना है, आपको पतला पेपर ही लेना है। ये पेपर एलईडी के अंदर ही आता है, वही पेपर है। ओके दोस्तों, कड़क पेपर रहना चाहिए, आप कोई भी ले सकते हो। ये मैंने एलईडी के अंदर ख़राब एलईडी अंदर से निकाला हुआ है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए नीचे के भाग में इसमें कहीं भी गम नहीं लगा रहता दोस्तों, ये खास ध्यान रखना। नीचे के साइड में इसमें गम नहीं रहता, बाकी के तीन साइड में गम रहता है। तो यहाँ से क्या, इधर जो गैप रहता है दोस्तों, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले पेपर को अंदर डाल देना है। देखिए इस पेपर को हम अंदर डालेंगे, उसके बाद इसको आराम से धीरे 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 आगे की साइड में ले जाएंगे। क्वार्टर से आराम से आपको घुमाना है दोस्तों, पेपर नीचे से डाल के आपको पेपर ही घुमाना है, एलईडी को ऊपर प्रेस नहीं करना है। कॉर्नर से ज़रा भी आप प्रेस करेंगे तो एलईडी टूटने का डर ज़्यादा रहेगा दोस्तों। तो देखिए इस तरीके से आपको धीमे धीमे आराम से धीरे धीरे आपको पैनल में से घुमाना है, आपको ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसको आराम से आप प्रेस करेंगे प्यार से, वो क्या होता है डबल गम जो टेप होता है उसके अंदर जो गम लगाता है उसके अंदर ही पेपर से हम कटिंग करेंगे। तो क्या दोनों साइड टेप चिपका रहेगा, लेकिन बीच में से कटिंग हो जाएगा, क्योंकि बीच में गद्दे टाइप का आता है दोस्तों। तो हमें वहीं कटिंग करना है, ताकि हमारा पैनल आसानी से निकल जाए। तो ध्यान से धीरे धीरे प्रेस करते करते आपको आगे ले जाना है एलईडी को, अपना पेपर को। तो ऐसे ही धीरे धीरे आप ले जाना है, पैनल को आपको उठाने की कोशिश नहीं करनी दोस्तों, आपको खाली पेपर को ही आपको प्रेस करके आगे ले जाना है, आपको पैनल कहीं भी उठाना नहीं दोस्तों। देखिए इस तरीके से आप धीरे 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 ऊपर नीचे करके आप पैनल को आगे ले जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप ज़बरदस्ती पैनल उठाने की कोशिश ज़रा भी ना करें, ताकि नहीं तो पैनल टूट जाएगा दोस्तों। देखिए मैंने ये आपको प्रेस करके दिखा दिया है। अब चलिए यहाँ से हम कॉर्नर पर भी आराम से घुमा लेंगे। देखिए इस तरीके से आपको घुमा लेना है, और एकदम आराम से दोस्तों, कोई भी जल्दबाजी नहीं। तो देखिए हमने ये पेपर यहाँ से इसको घुमा के ऐसे ही आपको अच्छे से घुमा के, देखिए यहाँ भी आपको आराम से एकदम कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है। इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट कर लेना है।
तो देखिए ये मैंने यहाँ पे पेपर को घुमा लिया है और हमने ये पैनल, तो देखिए नीचे का जो डबल गम टेप होता है वो दोनों एलईडी और फ्रेम के अंदर से निकल गया है। तो देखिए मैं आपको नीचे से आपको अच्छे से इस पेपर से मैंने आपको निकाल के कंप्लीट दिखाया दोस्तों। इसी एक ही पेपर में काम हो जाएगा, आपको पेपर नहीं बदलना है। ओके दोस्तों, देखिए इस तरीके से हमने अंदर कुछ करना नहीं है, पैनल के अंदर जो गम रहता है वो हमको निकालना है। अपने स्केलर दो चिपका हुआ है, वो स्केलर निकाल के मैं आपको पैनल उठा के दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए नीचे जो स्केलर होता है वो चिपका हुआ है डबल गम टेप की मदद से, तो हम रिमूव कर लेते हैं। ओके तो चलिए मैं पेपर उठा के आपको, तो देखिए दोस्तों ये हमने पैनल को आराम से उठा दे, सेंटर में से पकड़ के आपको आराम से उठाना है दोस्तों। ओके कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, बस मैं थोड़ा जगह बनाना भूल गया था, मैं जगह बना के आपको ये पैनल हटा के दिखा देता हूँ दोस्तों। तो चलिए मैंने ये जगह बना लिया, ये पैनल मैंने उठा के रख दिया दोस्तों। तो देखिए आपको क्या करना है इसमें, ये है पैनल, पैनल के ऊपर जो है पेपर है, यही पेपर जो है मैंने आपको बताया कि कटिंग करके दिखी, ये पेपर जो है ना ये यही वाला है दोस्तों। इसमें डबल सीट लगा, एक पतला वाला एक कड़क पेपर है, तो इसमें भी डस्टिंग नहीं आता है, डस्टिंग आपको नीचे वाले पेपर में आता है दोस्तों जो कड़क रहता है। ओके दोस्तों, तो पैनल मैंने अच्छे से उठा के रख दिया है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको एक एक करके आपको इसको दिखाता हूँ। देखिए ये हम पेपर उठाएंगे कड़क वाला, तो इसके अंदर डस्टिंग आता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये डस्ट आता है दोस्तों इसके अंदर, ये सारा डस्ट दिख रहा है, ये डस्ट मतलब धूल है दोस्तों जो खींचा, और आता कैसे मैं ही दिखा देता हूँ। देखिए ये जो खुला हुआ है एयर दोस्तों जगह, इसके अंदर से पीछे से भी खुला हुआ है, तो ये एयर अंदर खींचता है, ये जो लाइट होती है ना वो धूल को अपने तरफ आकर्षित करती है दोस्तों। तो देखिए ये जो खुला हुआ दिख रहा है यहाँ से अंदर जाता है डस्टिंग, अगर आप यहाँ पे टेप मार दोगे तो भी चल जाएगा, तो बाद में डस्टिंग का दिक्कत नहीं आएगा। तो ये अंदर से खींचता है, देखो देखिए यहाँ सब खुला होता है तो पीछे की वजह से एयर अंदर खींचता है, तो ये एयर डस्टिंग यहाँ पे आ जाता है क्योंकि लाइट हमारा डस्टिंग खींचता है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको इसको अच्छे से क्लीन करके दिखाता हूँ। इससे पहले आपको फ्रेम जो होता है ना एलईडी का बैक बॉडी, तो इसके अंदर से जो जहाँ से जो डबल गम टेप होता है वो हमको सबसे पहले क्लीन करना होता है। देखिए जिसके वजह से पैनल चिपका होता है फ्रेमलेस, वो हमें अच्छे से क्लीन कर लेना है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, चिपिया की मदद से आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। अगर आपको अगर हैवी गम लगा हुआ है तो आपको थिनर की मदद से उसको साफ़ करना पड़ेगा, नॉर्मल होगा तो आपको निकल जाएगा अच्छे से। तो देखिए ये आपको दिख रहा है, ये आपको चिपिया से ऐसे पकड़ के निकाल लेना है दोस्तों, आराम से ये निकल जाएगा। साफ़ करोगे तभी दोबारा लगा के आपको पैनल लगाना है, ये पुराने पर नहीं चलता है, तो हमें यहाँ पर सेम टू सेम डबल गम टेप नया लगाना पड़ता है। और तो चलिए मैंने इसे क्लीन कर लिया है, इसके अंदर से जो भी एक बार झटक लेना ताकि धूल मट्टी हो तो गिर जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे इसमें, इसमें से हमने पूरा इसको क्लीन कर दिया, अब हम ये जो पेपर है उसका डस्टिंग निकाल के आपको दिखाते हैं। तो आप शैम्पू वाला पानी भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों, दो तीन शैम्पू पानी में डाल के बॉटल में इसके स्प्रे बना के आप इसका यूज़ कर सकते हो, उससे भी अच्छे से डस्टिंग क्लीन हो जाता है। तो चलिए मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूँ। देखिए ये प्लास्टिक ही आता है, पानी से कोई दिक्कत नहीं होता दोस्तों, आप आराम से कोई भी पानी साबुन का पानी भी यूज़ कर सकते हो। और इसको साफ़ करने के लिए हमेशा एक साफ सुथरा कपड़ा ही होना ज़रूरी है, कोई भी गंदा कपड़ा नहीं लेना है, ताकि अगर गंदा कपड़ा लोगे तो आपका ही पेपर ख़राब होगा दोस्तों। तो इसको साफ़ करने के लिए हमेशा साफ कपड़ा, एकदम साफ़ सुथरा कपड़ा होना ज़रूरी है। तो देखिए ब्रश की मदद से हमने उसको घस के अच्छे से क्लीन कर दिया है। और आराम से करना है दोस्तों, पेपर टूटे ना, क्योंकि ये टूटेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो इसकी वजह से टूटना नहीं चाहिए। तो इसको आराम से आपको करना है, कोई जल्दबाजी, देखिए हमारा पूरा डस्टिंग एकदम क्लीन हो गया है, जो डस्ट दिख रहा तो एकदम क्लियर हो गया दोस्तों। ओके दोस्तों, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसे सीट पर कम्प्लीट पेपर क्लीन हो गया है, अब हम इसे फ्रेम पर लगा के आपको दिखाते हैं। देखिए सीट क्लीन करने के बाद दूसरा काम हमारा है फ्रेम पे पट्टी लगा, अरे अपना डबल गम टेप लगाना दोस्तों। तो चलिए मैं आपको एक एक करके डबल गम टेप कैसे लगाना, देखिए हमारे पास एक कंपनी का टेप है, ये हमने कंपनी में से मंगाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड कंपनी का टेप लगाएंगे, और ऊपर मेरे पास बड़ा वाला टेप ख़त्म हो गया, तो हम आपको मार्केट का एक टेप लगा के वो भी दिखाते हैं। आप इसमें कोई भी टेप यूज़ कर सकते हो, मार्केट से अच्छी क्वालिटी का टेप यूज़ करना दोस्तों, ताकि पैनल अपने आप बाहर ना निकल जाए, क्योंकि लो क्वालिटी का लगाओगे तो आप पैनल लगाओगे ना तो दिखते दिखते परत अपने आप चालू में से निकल जाएगा। तो अच्छी क्वालिटी का अपना गम यूज़ करना दोस्तों, टेप डबल गम टेप। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कहाँ लगाना है, जो फ्रेम को एकदम टच में नहीं करना है, बॉर्डर जो है ना उसको टच नहीं करना है। देखिए नीचे इसमें निशान दिया हुआ है कहाँ लगाना है, ये नीचे वाली लाइन दिख रही है ना क्लीन, उसी पे आपको लगाना है डबल गम टेप, एकदम बॉर्डर को टच नहीं करना है। अगर बॉर्डर को ऊपर नीचे टच हो जाएगा तो क्या है,
पैनल ऊपर नीचे होगा तो टूटने का रिस्क रहेगा और लाइट बाहर दिखेगा दोस्तों। तो नीचे वाले फ्रेम पे दिखे निशान दिख रहा है आपको, वहीं पे इसको अच्छे से तीनों साइड लगा लेना है। नीचे की साइड में आपको निकालना भी नहीं है और लगाना भी नहीं है, ऊपर के साइड में ही लगा आपको लेफ्ट राइट और टॉप में ही लगाना है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको करके देखिए, मेरे पास मार्केट का टेप है ओके, तो ये भी आप लगा सकते हो, अच्छी क्वालिटी का है, ये लो क्वालिटी का है, ये अच्छी क्वालिटी का टेप है दोस्तों। तो मैं आपको ये ऊपर के साइड में आपको, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, तीनों साइड कोई दिक्कत नहीं है ओके दोस्तों। तो चलिए मैं आपको एक इसको अच्छे से लगा के, सबसे पहले आपको ऊपर का गम लगाना है दोस्तों ओके। सबसे पहले आपका ऊपर का डबल गम टेप लगाना, उसके बाद नीचे का दोनों लगाना। देखिए आराम से आपको इस तरीके से लगा लेना है, देखिए मैंने इसको लगा दिया है। अब ये नीचे का लगाना है दोस्तों, साइड वाला, इसको आपको अच्छे से लगाना है, एकदम बॉर्डर को टच नहीं करना है, अगर नहीं तो ख़राब हो जाएगा तो फिर आपका ही नुकसान ही होगा दोस्तों। इसलिए आपको एक ही बार में अच्छे से लगाना है डबल गम टेप। देखिए इस तरीके से आप लगा देंगे, ओके दोस्तों। तो देखिए हमारा ये डबल गम टेप तीनों साइड लग गया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इस तरीके से हमने बॉर्डर को टच नहीं किया, हमें जो बना हुआ था इसका शेप बना हुआ था हमने उसी के अंदर अच्छे से लगा दिया देखिए। और यहाँ पे कॉर्नर पे खास ध्यान रखना है, ज़रा सा भी गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो लाइट बाहर दिखेगा दोस्तों। कॉर्नर पे ज़रा भी गैप नहीं होना चाहिए ओके। तो देखिए ऊपर भी कम्प्लीट हो गया, दोनों कॉर्नर पर आपको ध्यान रखना है, ज़रा सा भी अगर गैप रह गया तो आपका लाइट बाहर दिखेगा। तो ये एकदम टच करके ही आपको टेप लगाना है, देखिए हमने ये तीनों साइड अच्छे से टेप लगा दिया है। तो चलिए अब हमारी बारी है पेपर लगाने की। तो जब हमने दोनों सीट अच्छे से लगा के क्लीन कर लेना, एक भी डस्ट अंदर ना हो, साफ़ कपड़े से इसको साफ़ करते रहना दोस्तों। देखिए इस तरीके से अच्छे से साफ़ कर लेना है, उसके बाद दूसरा काम बचता है पैनल के अंदर से जो टेप होता है, जैसे हमने फ्रेम के अंदर से निकाला सेम प्रोसेस पैनल के अंदर से भी आपको निकालना है। देखिए हमने पैनल अच्छे से रखा है, आपको भी कभी पैनल निकालो तो उसको अच्छे से रखना है। तो देखिए इस तरीके से हम आपको निकाल के दिखाते हैं इसको आराम से, आपको अगर आपको कहीं अच्छे से जगह है तो सुला के अच्छे से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना अच्छे से निकालोगे उतना ही अच्छा रहेगा, आपको इसको पेपर टेबल पे रख के भी आप पैनल से निकाल सकते हो। हमने इसका पूरा गम निकाल लिया है इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया हैवी गम लगा है तो आप थिनर की मदद से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों साइड का मैंने गम निकाल दिया है, अब इसको अच्छे से पीछे की साइड क्लीन करके मैं आपको डिस्प्ले पे लगा के दिखाता हूँ उसको। तो देखिए ये अच्छे से एकदम क्लियर हो गया दोस्तों, हमने ये क्लीन कर लिया है। तो अब इसमें हम, तो चलिए मैं आपको इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कैसे। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं इसको जो टेप लगा है उसका हमको ऊपर से टेप का कवर निकाल लेना है तीनों साइड से, उसके बाद निकाल लेना है। देखिए इस तरीके से हम तीनों का कवर निकाल लेंगे ये निकाल लिया है। तो चलिए अब पेपर पैनल लेंगे, पेपर पैनल को आपको दोनों हाथ से पकड़ना और सेंटर का भाग ऊपर रखना है दोनों। पहले सबसे पहले क्या करना है, पैनल पकड़ के सेंटर का भाग आपको ऊपर रखना है, सेंटर का साइड एकदम पहले टच नहीं होना था, पहले आपको दोनों कॉर्नर मिला लेना है दोस्तों, दोनों साइड से कॉर्नर मिला लेना है और बीच का भाग आपको अंदर से ऊपर रखना है ओके। दोनों साइड कॉर्नर मिल जाए उसके बाद आपको बीच का भाग रख देना है और धीरे से पैनल को नीचे से बिठा देना है। देखिए इस तरीके से आपको पैनल अंदर बिठा देना, देखिए हमारा पैनल कंप्लीट हो गया है। अब आपको ऐसे प्रेस करके गम चिपका देना है दोस्तों, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास सिल्वर पेपर हो तो आप टेप भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से नीचे का स्केलर भी लगा लेना है। तो चलिए ये हमारा फ्रेमलेस का पैनल लगाने का काम कंप्लीट हो गया, तो अब हमारे बारी है पैनल को टेस्टिंग करने की दोस्तों। इस तरीके से हम पेपर पैनल को अच्छे से कपड़े से साफ भी कर लेंगे, देखिए इसको पैनल चेक करके दिखा देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, अभी लग गया है इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम करना है दोस्तों, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है पैनल लगाने में और निकालने में। तो चलिए मैंने इसको लगा दिया, अंदर से कनेक्शन कर दिया बेल्ट का, अब मैं आपको इसको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो देखिए हमारा LED चालू हो गया कम्प्लीट, कोई भी दिक्कत नहीं है देखिए ओके दोस्तों ओके। जो डस्ट आ रहा था वो भी कंप्लीट हो गया दोस्तों, इसी तरह से आपको अच्छे से इसको कंप्लीट खोल के इसको अच्छे से फिनिशिंग से ओके दोस्तों। तो आपको ध्यान से काम करना है, हम कोई भी काम करो हम क्या करेंगे, जैसे इसे ओपन किया स्केलर पट्टी लगा के इसको कंप्लीट पैक कर देंगे, बॉडी वॉडी लगा के कंप्लीट पैक कर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी वीडियो आप बनाते रहूँ। धन्यवाद दोस्तों।